दोस्तों ये मेरे हाथ में जो आपको दिख रही है ना, ये वो चाबी है जिस व्लॉग का आप इंतज़ार पिछले कई दिनों से कर रहे थे। जी हाँ, आज ये व्लॉग शुरू हो रहा है इस इलाके से। मैं सोच रहा था व्लॉग की शुरुआत कैसे करूँ, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे बैठ के निवांतपने शुरुआत करता हूँ। तो साधारणपने ये पहराव है और आज हम करने वाले हैं मोटो व्लॉग विद आवर बुलेट्स के दिल में, और ये है आपके भाई की बुलेट। इस बुलेट की पूरी स्टोरी मैं आपको इसको राइड करते वक्त बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत यूनिक वस्तु है। ये यूनिक क्यों है, इसकी यूनिकनेस क्या है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो चलो राइड शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं हार्दिक भाई के पास। मैं यहाँ पे अपने मौसी के यहाँ पे आया था, यहीं पे अपनी गाड़ी भी थी, तो सोचा इसकी एक मस्तबे की राइड भी हो जाएगी, तो लेट्स गो। तो राइड के लिए मैंने सोचा अकेले जाने में मज़ा नहीं है, तो क्यों ना इन जोकरों को भी लिया जाए। वो उधर एक है, इधर एक है। ये उधर की ज़िंदगी है हिमालयन करण की, जैकेट चार्ली का, हेलमेट ये सब चार्ली का है। अरे अभी भाई, उधर की ज़िंदगी कैसे लग रही है? अरे भाई देखो कैसे अपन तीनों एक साथ एक मुखड़े पे हर एक के ब्लॉग में आएंगे। हाँ ये टोटली लेकिन हाउस मतलब देख, हाउसी कलावंत है नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा दोस्त, हम कुछ ऐसा बनाएंगे अपन कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। इधर का जो ब्लॉग कंटेंट है ना, वो जल्द से जल्द इसको पेज नदी बोलते हैं। इसका एक अलग कंटेंट आपके सामने जरूर लाऊंगा, आप खुश होगे। पहले वाले दिन याद करने पड़ेंगे। बस कैसा है, मैं बोलूंगा कि इधर का कंटेंट मैं लाऊंगा और मेरा ये सुन के करण फटाक से लाएगा, है कि नहीं करण? बरोबर है खाने, ये मेरा आइडिया है। मैं तुमको अब भी बोला, ये मैंने बहुत पहले बोला हुआ है। बुलेट का व्लॉग है, आई ना, बुलेट का व्लॉग मैंने बोला कि चलो बुलेट का व्लॉग में बनाऊंगा। कच करके बुलेट का व्लॉग आ गया ना ब्रो, शूट तो हुआ है ना। तेरे को बोला था श्रीमान अपन बुलेट पे व्लॉग बनाएंगे, कभी ने सब मेरे पे लोट रहा है। तू लाद रहा है बड़े जबरी का, तू हम लोगों का ये है मतलब ब्लेम मैन है। हाँ नको नको, गाड्या थांबत नाही इकडे, असं मी ऐकलंय, ब्रिजवर डायरेक्ट उडवतात। चला जाऊ, चला लेट्स गो के दिल में। चलो फाइनली ओल्ड बुलेट होती है, उसकी चाबी इधर नहीं होती, इसकी चाबी इधर होती है। इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं स्टार्ट हुआ कि नहीं। और जब भी हमको इसको चालू करेंगे उससे पहले पेट्रोल ऑन करना है, जब बंद करेंगे तब पेट्रोल ऑफ करना होता है, क्योंकि ओवरफ्लो होती है, ओल्ड इंजन है। इसका सारा जो चीज़ें होती है, जैसे कि इसका जो ब्रेक है, ये ब्रेक लेफ़्ट में है, नॉर्मल गाड़ियों का राइट में होता है। और इसका जो क्लच क्या कहते हैं इसको, गियर है, वो राइट में है, जो नॉर्मल गाड़ियों का लेफ़्ट में होता है। सिंपल बाय डिम्पल। इसको डायरेक्टली आप किक नहीं मार सकते, वैसे तो हाथ से भी चालू हो जाती है, लेकिन इसको डायरेक्ट किक नहीं मारने की, इसको डिकम्प्रेस करने का। और ये नहीं, ये बीच में चाहिए ताकि वो रिबाउंड ना आ जाए किक का। देखो ये ऐसा डिकम्प्रेस, और ये देखो एकदम स्मूथ, एकदम स्मूथली स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई विषय नहीं है। और इसका गियर उल्टा है पूरा, बाकी गाड़ियों का पहला नीचे होता है, इसका पहला ऊपर है, उल्टा, सब उल्टा है। और इसको चलाने का एक एक्सपीरियंस भी ज़बरदस्त होता है। तो ये हमारी पहली प्यारी प्यारी बुलेट की मोटो व्लॉग राइड स्टार्टेड द गेमिंग के दिल में। अब पास आवाज़ सुनो और थोड़ा सा एंजॉयमेंट लो। और हाँ, इसको बस 4 ही गियर होते हैं, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मॉडल ओल्ड वाला है ना। अभी 70 का स्पीड है, ये मैक्सिमम 80 के आसपास लेके जा सकते हैं हम, उसके बाद इसको भगाना सही नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और वैसे धूप भी है ना, गर्मा गर्म इंजन हो जाएगा पोड़ी की तरह। रोड काफी बादशाह है, मूड अच्छा है। मैं BMW निकालने वाला था, बट सोचा कि आपको वादा किया है बुलेट व्लॉग जल्द से जल्द लाऊंगा, तो क्यों ना हम बैक टू बैक मोटो व्लॉग्स के दिल में एंजॉयमेंट करें ना मेरी जान। वैसे मैंने राइडिंग गियर्स नहीं पहने इस पर, क्योंकि इसकी ताकत उतनी मतलब उतना भगाने वाला हूँ नहीं मैं। और ये पूरा का पूरा जो आप रोड देखोगे ना, ये हम जहाँ पे जा रहे हैं सुरबाड़वाड़ी, वहाँ पे पूरा पूरा इस तरीके से ही रोड है, सिंपल है, सेफ़ है, कोई टेंशन का विषय नहीं है। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ इस बुलेट की। तो ये जो बुलेट है ये है 1976 मतलब 1976 का मॉडल, मतलब जब हम आपका हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, मे बी 76 से पहले के लोग होंगे उनके लिए ये नॉर्मल हो सकता है। बट आप सोचो ना कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जो आपके जन्म के पहले बनी हुई है। और ये रॉयल एनफील्ड की है, बहुत प्यारी है, ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दी है। मैं बहुत शौकीन तो नहीं हूँ बुलेट का, और पहले नहीं था एक्चुअली, अभी हूँ लेकिन पहले नहीं था। बस दोस्त के पास बुलेट थी तो इच्छा ऐसी रहती थी कि यार क्यों ना यार अपने पास भी बुलेट हो। तो मैंने कभी किसी की बुलेट चलाई नहीं है। पापा को पता चला कि मुझे बुलेट पसंद है, पापा ने सातारा से एक व्यक्ति से ओळख कहीं से निकाली और उनकी ये बुलेट उनको बेचनी थी, वो निकाली। मतलब ये सेकेंड हैंड लेने में मज़ा है, ये सेकेंड हैंड वस्तु है, लोहा। तो ये उन्होंने वहाँ से लेके आए थे। उस टाइम पे इसका रेट उनको पड़ा था कुछ तो 60 या 80 हज़ार के आसपास, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन अभी तो इसका रेट अगर बोलोगे तो बहुत ज़्यादा है, 3 लाख के आसपास चला जाता है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई अभी। तो पापा ने मेरे लिए बुलेट लाई, वो खुद सातारा से यहाँ तक बुलेट लेके आए उनके दोस्त के साथ। और फिर मुझे मैंने फर्स्ट टाइम बुलेट खुद चलाई। बुलेट पुणे में आई थी, पुणे में। सोचिए, मैंने पापा को बोला मैं आऊँगा पुणे में, मैं खुद चला के पुणे से घर तक बुलेट लाऊंगा। मैं पुणे में गया, मैंने बुलेट खुद चला के लाई, पापा उनके गाड़ी से आ रहे थे। ये एक्सपीरियंस बहुत अलग था उस टाइम पे, और इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताऊँ। पहली बार बुलेट, वो फील आहा। फिर बुलेट रखी और मैंने यूज़ करना चालू किया। लोग बहुत तारीफ़ करते थे, शुरुआत से तारीफ़ आलम हुआ करता था बुलेट का कि यार इतनी बढ़िया गाड़ी है, 76 का मॉडल है, आला एक नंबर, इज्जत ही इज्जत, वन साइड इज्जत। फिर लाइफ आगे बढ़ी, बहुत साल हुए, फिर जॉब और बिज़नेस का जो चल रहा था लाइफ में, ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ, आप जानते हो। लेकिन एक ऐसा दौर आया था जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था, और कॉलेज करते करते मुझे मतलब 12th ख़त्म हो गई थी और बाकी चीज़ें करते करते मुझे जॉब भी करना था। उस टाइम पे मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये बुलेट है वो मैं लेके जाता था स्टेशन पे, सुबह जाता था और शाम को आता था। तो पूरा दिन स्टेशन के पार्किंग में गाड़ी पड़ी रहती थी। मोस्टली पार्किंग के पैसे बचाने के लिए मैं स्टेशन के बाहर एक नॉर्मल रोड था, उसके बाजू में सब लोग गाड़ी पार्क करते थे, वो भी पैसे बचाते थे, मैं भी उधर लगा देता था। और वहाँ पे बुलेट जो मैं लगाता था ना, मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार बुलेट जैसी गाड़ी हम ऐसे लगाना अच्छी बात नहीं लगती ना। तो मन में आया कि क्यों ना अपन बुलेट को बेच दे, क्योंकि इस तरीके से उसकी हालत जो चल रही थी वो देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि उस पर खर्चा भी उस टाइम पे बड़ा करना पड़ रहा था ना। तो खर्चा बिरचा उस टाइम पे उतना जम नहीं रहा था। तो फिर मैंने एक व्यक्ति को बुलेट बेच दी। बहुत बुरा लगा था जब बुलेट बेची थी, मैं रोया नहीं था, बस शांत था, क्योंकि वो पापा ने गिफ्ट किए ना, तो उनका मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट है यार। ये आपके पापा आपको कुछ चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं और आपको अगर वो बेचनी पड़ रही है तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो मैंने बेची वो, और उसके बाद उससे पैसे आए तो वो पैसे मैंने घर पे दे दिए। और फिर फिर आगे लाइफ बढ़ चली। फिर आपको तो पता है चीज़ें कैसी हो रही थी, क्या चल रहा है, नॉर्मल स्टोरी। मतलब आपका भाई जब श्रीमान लेजेंड की स्टोरी चालू हो गई उसकी तो एक दिन स्ट्रीम पे अपन बातें कर रहे थे, बुलेट की याद आ रही थी। तो वो जो व्यक्ति है जिनको हमने बुलेट बेची थी, उन्होंने ये स्ट्रीम देखी और उन्होंने मुझे बोला कि श्रीमान वो बुलेट जब से मैं लाया हूँ तेरे इधर से, वो मुझे दर्जन ही नहीं हुई। मतलब ना उस पर मैं ठीक से सफ़र कर पाया, ना कुछ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर को लगा, ये हुआ वो हुआ। तो आई गेस वो बुलेट तुम्हारी है, वो तुम्हें ही चाहती है, तो उसको लेके जाओ और जो रेट में आपने ली थी उसी रेट में आप ले सकते हो। तो सेम 80 हज़ार में मैंने उनको बेची थी, उन्होंने 80 हज़ार में मुझे वापस कर दी। जब वो वापस की थी तो पूरी बुलेट ब्लू कलर की थी, पूरी की पूरी ब्लू थी, और वो ब्लू कलर जो था वो मुझे सूट नहीं लग रहा था गाड़ी पे। और मेरा जो पुराना लुक था बुलेट का वो मुझे चाहिए था, मेरे पास पुरानी फ़ोटो थी बुलेट की। तो हमारे यहाँ के एक फिटर है, मतलब मेरे मौसी के गाँव के यहाँ के एक फिटर है, अशोक मामा, किंग है बुलेट के, किंग। उनको मैंने गाड़ी दी और उन्होंने जैसे फोटो में गाड़ी थी वैसे के वैसे बना दी। हाँ, उन्होंने एक डेढ़ दो महीने लगा दिए, लेकिन वैसे के वैसे गाड़ी करके दी। और जब मैंने पहली बार गाड़ी को देखा, आई शपथ, मज़ा ही आ गया। और उस टाइम पे मैंने कुछ फुटेजेस निकाल के रखे थे और उसका मैं व्लॉग बनाने वाला था, और ये वही व्लॉग है, ये वहीं पे जाके कनेक्ट होगा। आप सारे फुटेजेस देख रहे हो, वही फुटेजेस है। सो मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है और अपने पास बुलेट है। और ये बुलेट इतनी प्यारी क्यों है, इसके पीछे का एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न है। वेट, इस बुलेट को वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये माझ्या बाबांनी मला गिफ्ट केले आणि माझ्या बाबांचं नाव इकडे, आणि हे नाव बाबांना जाम आवडतं। बाबा इज्जत द्या, इज्जत द्या। मुझे पता है बाबा को व्लॉग वगैरह पसंद नहीं है, इतना विषय, लेकिन ये देखो इज्जत दो। तो ये उनकी प्यार है मेरे लिए, और मैं इसको अभी कभी भी नहीं बेचूंगा। ये मैं यूज़ करूंगा, ये मेरे बाद की पीढ़ी भी यूज़ करेगी, लेकिन यूज़ होगी, ये बेची नहीं जाएगी बिल्कुल भी। और इसको मैं बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, मज़ा आता है। अभी रिसेंटली इसका जब काम किया था तो वो नहीं कर पा रहा था मैं, मतलब देख रेख नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सर पे भूत सवार हो गया था ना, सुपर बाइक्स वगैरह। लेकिन अभी इसको मैंने चला है ना रिसेंटली बूट कैम्प के कामों के लिए वगैरह। तो इन शॉर्ट यही है कि सारी गाड़ियाँ चलेंगी, बुलेट भी चलेगी, और फैमिली बढ़ती जाएगी यार, इन द सेंस। आहा, नदियाँ सूख गई हैं, उन्हाड़ा आया भी नहीं अभी तक, और ये गोप्रो बार बार बंद हो रहा है हीट की वजह से, वो तो अलग ही सीन है। तो बस यही कहानी है, ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहता तुम लोगों को, तुमको ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाता हूँ मैं आजकल। उसके पीछे का रीज़न है कि मैं अपने रूल में ही बंधा हुआ हूँ ना। कुछ चीज़ें वैसी होती है कि सिंपैथी से नहीं हासिल की जाती, कुछ चीज़ें मेहनत से हासिल की जाए तो मज़ा अलग रहता है। और मैं उन्हीं विचारों का हूँ कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो या प्यार करते रहोगे, तो वो मेरी मेहनत की वजह से, मेरे स्वभाव की वजह से है, ना कि मेरी पास्ट की वजह से या मेरी परिस्थिति की वजह से। सो बस यही है। चलो, हार्दिक भाई का कॉल आ रहा है, ज़रा रुको मैं कॉल उठाता हूँ। रोते हुए ताना दादा दादा दा आते हैं सब, ताना दादा दादा दा हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। ये रोते हुए तारा रा 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 आते हैं सब, तारा रा 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 हंसता हुआ जो जाएगा। ये बच्चे के दिल में अमिताभ बच्चन जी की आठवण आ गई रे। बच्चा बच्चा कड़का, ये कुत्ते पीछे क्यों रहते हैं मेरे को? ये जानबूझ के पीछे रहते हैं क्या, मुझे दिखाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं? मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट चल रही है बच्ची के दिल में। साखर फुटाना इच्छा गावत सुटाना, टुंग 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 टुंग। नहीं, मैं मतलब वो गाड़ी को बैलेंस है ना, स्लो है गाड़ी, इसलिए मैं जस्ट तुमको दिखा रहा था कि सब चिल है, ऐसा कुछ विषय नहीं है, सब चिल है, सब चिल है भाई, सब चिल है। हैं, ठोला ठोला गड़गोला। ये गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, ऐसा डाउट आ रहा है मेरे को। मेरे पास व्हील अलाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, बाकी कुछ इश्यू नहीं है, ओनली चेकिंग व्हील अलाइनमेंट एंड ऑल। बच्ची के दिल में है कि नहीं, बराबर है ना? अरे व्हील अलाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, अरे व्हील अलाइनमेंट चेक कर रहा था, बाकी कुछ नहीं बरो। हाँ, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स गो। आहता कुत्र्या सारखा ग त्याच्या तर रे आईच्या गावात यत्र यत्र ग चंचू पात्र। अरे चिंदी चिंदी साला मवाली कही का लोफर है तू, लोफर काट के फेंकेगा तेरे को कोपर। लुलबु लुबुलू लुस्का नाका ना चुलपा नाका ना टुम्मा। ये बुलेट थोड़ी सी मुझे ना स्टेयरिंग ऐसा थोड़ा सा वाकड़ा लग रहा था, इसलिए मैं चेक कर रहा था गाइस, बाकी कुछ विषय नहीं है। अगर होगा तो अपन व्हील अलाइनमेंट कर लेंगे। अला, यहाँ पे जल गया है सारा चीज़ें। उनाड़ा बहुत बेकार हो रहा है, बहुत बेकार हो रहा है उनाड़ा। समझो बात की घरे को, समझो गाइस, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, झाड़े उगवा झाड़े जगवा, तरच आपण आपला आहे टिकावा, नाहीतर हरिओम ठस ठस। लिया तुमने लब से आँखों को जन्नतें सारी तुमसे ही, टुडुडुं टुंग टुंग टुंग, तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, मन्नतें सारी तुमसे ही, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया। कुठे भाई, काय भाई, क्या रहे, गाड़ी पे खड़ा क्यों रह रहा है भाई? बताओ क्या बताओ, शूटिंग करूँ तेरी? दिखाओ क्या तेरी औकात? ये नका आहे सगळं अरे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, व्हील अलाइनमेंट वगैरह व्यवस्थित है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, तुमको गलत फहमी हो रही है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ 30-40 के स्पीड में हम, बस बाबा चुकीच है चुकीच है। मैं श्रीमान हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, हमें भूलना नहीं चाहिए, मेरे को भूलना नहीं चाहिए, हम जवाबदार नागरिक है इस भारत के। अरे कभी पहली बार बना रहा हूँ ना वो, ऐसा मतलब समझ रहे हो ना, एक्साइटमेंट का विषय, बाकी कुछ नहीं है। मैं अभी इज्जत से गाड़ी चलाता हूँ बाबा, ऐसा कुछ भी विषय नहीं है, बांधहिल्की बोलते। चलो आराम से गाड़ी चलाते, दिक्कत की बात ही क्या है। अब ये देखो, ये भी कैसा रिस्क ले रहा है, देखो रिस्क ले रहा है, खड़ा हो रहा है, रिस्क ले रहा है, ये खड़ा हो रहा है। हाँ, ये रिस्क लेना किस हद तक सही है बताइए हमें। हाँ, मैं देखो ईमानदारी की तरह, ईमानदार व्यक्ति की तरह गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा कुछ भी विषय नहीं है, बांधहिल्की का विषय, ओनली मेरी गगड़ी। मैं रोड पे वो राइट लेफ्ट से राइट जा रहा है करण, बोल, और तू मुझे बोल रहा है स्टंटबाज करण। बस देख गाड़ी के अलाइनमेंट चेक करने के लिए मैं तुझे एक स्टंट, मतलब स्टंट नहीं है बस चेकिंग दिखा रहे। देख हाई चेहरे, देख पहले पैर इधर रखने का, ओके, और फिर दूसरा पैर ऐसा रखने का, ये देख, ये हाई चेयर बोलते हैं उसको, ये स्टंट नहीं है, ये चेकिंग का विषय रहता है गाड़ी की, तुम अलाइनमेंट चेक कर रहे हो, बाकी कुछ विषय नहीं है। ऐसा देख चिल में ऐसा ये अभी ये स्टंट चलेगा। अभी मुझे एक बात बताओ जनता, ये स्टंट कर रहा है वो चल रहा है, हाँ, और मेरा तुमको स्टंट लग रहा है, ये स्टंट, ये प्रोफेशनल है भाई, मैं प्रोफेशनली चीजें सीखा हूँ लाइफ में। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टंट नहीं है, ये वो चेकिंग, ये कुछ ट्राई कर रहा था, ये कुछ ट्राई कर रहा था, अभी सामने दिखा है, ये करना करना आता का, ये देखो पीछे के इस पे खड़ा हो गया, ये गलत नहीं है क्या? ये गलत नहीं है क्या बताओ मुझे? और ये देखिए मई देख करण, ये मई देख, इसका वास्तविकता से कुछ संबंध है कि नहीं? वो देख गाली गलौज कर रहा है मुझे, वो गाली गलौज कर रहा है, छी शर्म भी नहीं आती। अरे मैं तो तुमको बस अभी तुमको देख कर, अभी तुझे मैं एक दिखाता हूँ, स्लीपिंग डॉटर, क्या दिखा रहा हूँ, ये देख, हाँ ये देख, ऐसा बस है ना, ये देख ऐसा सोने का, स्लीपिंग डॉटर, हाँ दिखा ये है स्लीपिंग डॉटर, यस, और पेपर करण, हाँ पण लहान पोरांसारखे करायला लागले रे, स्लीपिंग डॉटर बेस्ट था। बस ये सब कैसा सेफ्टी मेजरमेंट्स है गाइस, ये आपकी गाड़ी अलाइन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बताने के लिए होता है। हाँ हाँ बराबर जा रहे हो, कोई विषय ही नहीं है, प्रॉपर कोई विषय नहीं, एकदम नॉर्मल है, लाइफ है, सही है। और इसका जो स्पीड लिमिट है वो भी आप देख सकते हो 30-40 का रहता है, तो वो दिक्कत की बात ही नहीं है। मेरा गोप्रो बंद हो रहा है, मैं बीच में गर्म होके। करण तू आगे भाई, अरे अच्छा स्टंट मार के दिखा, चलिए देख ये ऐसा बैठा मैं, हाँ देख इधर पैर रखने का ऐसा, और ये अगो भाई, ये देख अगो भाई आरिचा, ये देख अगो भाई आरिचा, देख धनी आगे बैठा है और बाइको पीछे, हाँ करण आहे की ना मला माहिती नाही, मी हे टाकणार का नाही ब्लॉग मध्ये, पण मी बनवतोय खरा, पण टायमाला मी सगळं डिलीट करणार आहे भावा मला वाटतंय। अरे करण, अरे असं नको करू रे, असं नको करू, तू माझा भाऊ आहेस भाऊ, नाही तर चेतनची आणि तुझी गळा भेट दाखवीन मी। इस गाड़ी पे 100 की स्पीड ऐसा लगती है ऐसे 200 प्लस है गाड़ी। ये क्या रहा है? अच्छा नहीं, चालू है चालू है चालू है, स्ट्रेट ही जाने का। भोंडे किधर है? भोंडे फास्ट है दोस्तों, उसकी गाड़ी कैसे हो जाती है, वो 120 130 टच हो सकती है। ये बुलेट मैक्स टू मैक्स 80-100 तक ही खेलती है और एवरेज स्पीड आप 30-40 ही रख सकते हो इसका। बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिलायबल हो गई है रे गाड़ी, एकदम मस्त है। बुलेट की खासियत है ये हेवी होने की वजह से अभी मैं चला रहा हूँ, गड्ढे ज़्यादा फील ही नहीं हो रहे, मज़ा आ रहा है। मतलब सेम टू सेम अपनी BMW हिमालयन की कैसे एकदम स्मूथ रहती है गड्ढे में एक्सपीरियंस, वही सब इस बुलेट का भी स्मूथ एक्सपीरियंस आ रहा है। देखो ना आ रहा, वही तो एकदम मक्खन चाहते ना, रपा रप जा रही है गाड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं, कूले एकदम सेफ। यही बटवा आम अभी भी है रे, मेरे ट्रेकिंग की आम पैरों को अभी भी है। नहीं अभी मैं भी जल्दी घर पहुंच के व्यायाम करने वाला हूं आज से। दोस्त इस एरिया को मैं इज्जत देना चाहता हूं बहुत ज़्यादा, बस यही कहना चाहता हूं आपसे। रोड की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी आपको करण जी, हाँ थोड़ा ज़्यादा ही गलत हो गया आप, हाँ क्योंकि वो प्रॉब्लम फिर से चालू हो गई रोड में। हाँ ना यार, वो ट्रैकिंग में मांडियों का काम 25 हुआ है तो मैं मांडियों को ज़रा रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, और इधर पैर रखने की वजह से गाड़ी बैलेंस भी ठीक से हो रही है, उस वजह से बाकी कुछ विषय नहीं है। बांधीलिक का विषय ओनली मेरी परफॉर्मेंस, हार्ट बीट गाड़ी की। यहाँ पे मिस्टर भोंडे जी रुके हुए हैं, मुझे लगता है गाली गलोच करेंगे अभी अपने को। अभी भाई हमारी गाड़ी है ना वो नाजुक है, भागती नहीं है, और गाड़ी थोड़ी वाकड़ी जा रही थी, इसलिए मैं चेक करने के लिए वो सारी हरकतें कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। हाँ बाकी कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, बाकी क्या हो सकता है, पूरा नज़ारा है ना ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। आपकी बैटरी डेड हो रही है उसका देखो, हमारी बैटरी हम लोग उधर जाके अभी चार्ज करने वाले। फिर ठीक है, क्या बोलते करण भाई, पर हम रुके क्यों यहाँ पे? चलो नहीं तुम्हारे लिए, अरे आपकी गाड़ी फास्ट है बाबा। चलो लेट्स गो, मजा आ गया। अच्छा ये मशे की जत्रा यहीं पे ना? हाँ ये जत्रे का मुझे पता है भाई, मेरे एकदम क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर है ना वो, हाँ वो उधर से इधर से ये वो गाय भी विकत लेते हैं। नहीं मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं बंद कर दूँ ताकि हम ज़रा अपने अपने व्लॉग्स में अपने अपने थॉट्स रख सके, बराबर है कि नहीं। ये इंटरकॉम की वजह से ना आपको बताता हूँ गाइस क्या होता है, पता क्या, बोलने को नहीं जमता है, मतलब अपना टॉपिक दिल में आता ही नहीं है। अभी जैसे कि इसके भी दिल में कुछ होगा वो भी नहीं बोल पाता है, मैं भी तो बीच बीच में चालू करना ही बेटर रहेगा। ये सब इंटरकॉम वगैरह लद्दाख वगैरह के राइड में ठीक है, ऐसे इधर के राइड में तो इतना मैंडेटरी चीज़ नहीं है। ये इतना गर्मी है, वो GoPro भी बंद हो रहा है, बट गाड़ी एकदम अच्छे से चल रही है, इंजन कोई तकलीफ नहीं दे रहा। पिछली बार है ना काम कराया था ना, तो जब फास्ट गाड़ी होती है ना तो 80 के स्पीड में वगैरह ऐसे दबती थी गाड़ी पीछे, तो उसका फिर से दोबारा एक बार काम कर दिखाने को लेके गया था मैं, तो तब से गाड़ी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा, एकदम स्मूथ। और बुलेट चलाने का एक्सपीरियंस इज़ नेक्स्ट लेवल। एक्चुअली बुलेट बहुत सेफेस्ट बाइक है, आप अगर देखोगे कि बुलेट चलाने वाले एक्सीडेंट वगैरह बहुत रेयर कभी हुए होंगे, क्योंकि बुलेट बहुत सेफ बाइक है, क्योंकि भागती नहीं है, इसको आप लीन नहीं कर पाते हो जिस तरीके से चाहते हो, ऐसे नॉर्मली लीन होती है, बराबर है, तो स्टंटबाजी का विषय नहीं होता। इस पर एक लिमिटेड ही आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मैं छोटी मोटी चेकिंग कर रहा था वो, और स्पीड होता है 40-50 और वो भी स्पीड आपको बहुत इनफ हो जाता है। बुलेट है वो 30-40 के स्पीड में ही चलाओ, उसकी एक रुतबा उसकी रिस्पेक्ट मार्केट में लोग पलट के देखेंगे इस गाड़ी को, इतनी सुंदर गाड़ी होती है बुलेट। लेकिन स्लो चलाओगे तो, फास्ट चलाओगे तो आवाज़ पूरा कचरा हो जाता है, एकदम स्लो चलेगा एकदम मज़ा आ जाता है, जैसे कि अभी आपका आवाज़ आ रहा है एकदम स्मूथ। और हाँ इस पर भी प्रवास इतना पता नहीं चलता गाड़ी पे, अगर आप स्लो 60-40 के आसपास चला रहे हो ना, प्रवास पता नहीं चलता, क्योंकि एकदम सीट भी एकदम बढ़िया है और कंफर्ट भी अच्छा लग रहा है। हार्दिक भाई के पास जाने का रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। ज़्यादा रास्ते रखना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हो कि हाथ में वॉच नहीं है, तो वॉच मैं यूज़ कर रहा हूँ बट उसकी बैटरी टिकती नहीं है हर 2-3 दिन मैक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी है, दोबारा मैं उसको वापस देने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास BGMI खेलने के लिए अच्छा फ़ोन नहीं है। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था किसी चीज़ को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, तो मैं शायद मोबाइल ले लूँगा। मुझे पता है तुम लोग मेरे पे घिन फील कर रहे होगे कि इसने पहले टैबलेट लिया, iPad लिया, वो भी वापस किया। वापस मतलब वो तो इधर ही अपना डाकू को दे दिया। उसके बाद iPhone लिया, वो पतू को दे दिया। मतलब और उसके बाद सैमसंग का फ़ोन लिया था, वो भी रिटर्न दे दिया था। तकरीबन 4 से 5 प्रोडक्ट हमने लिए और वापस दे दिए BGMI के चक्कर में, और हम खेल ही नहीं रहे। और बहुत नुकसान कर रहा हूँ मैं अपने आप का। बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि अभी का नहीं है, मैं पहले से अपना नुकसान करता आ रहा हूँ इन चीज़ों को लेके। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है इस चीज़ को लेके। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई डिसेंट सा फ़ोन लेते हैं जो BGMI के लिए, स्पेसिफिकली BGMI के लिए ही रहेगा, और फिर उसको यूज़ करते रहेंगे। अब मेरे पास ऑप्शन दूसरा कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो है बट उस पर BGMI कैसे के प्राइमरी, और दूसरा जो है वो सैमसंग, इसका मतलब दूसरा एक है एंड्रॉयड का फ़ोन है, वो मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो इतना मेन नहीं है। वो बस अपना डोनेशन वगैरह का विषय है, वो चेक करने के लिए ठीक है। या फिर स्पेशली अपन लद्दाख राइड के लिए वो फ़ोन लिया है ताकि अपन क्रेडल पे उसका यूज़ कर सके। तो बस यही है। मैं डिप्रेस लग रहा हूँ ना तुमको थोड़ा सा, तो पीछे वही रीज़न है। खर्चा ओवर हुआ है। मुझे लगता है मेरा इस फ़ोनों के चक्कर में टोटल 50-1,000 रुपये का नुकसान हुआ ही होगा। और मुझे बुरा लग रहा है यार, ओवर है ये। पर ठीक है, मैं सुधर जाऊँगा। मैं अभी इस साल है ना एकदम शांत रहूँगा, कोई भी गैजेट वगैरह नहीं खरीदेंगे इस साल। थोड़ा सा इस पे ध्यान रखेंगे, सेविंग्स पे। यस, 100%। बाकी कुछ विषय नहीं है। बांधिलकी OP, ऑलवेज OP, इन द मिक्स गोवो किक्स, चिक चिकी चिकी चिक्की। बैटरी ख़त्म हो गई है इसके GoPro की, लेकिन क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, तो ठीक है, उतना तो चलता है। अभी हम पहुँच रहे हैं सुरबारवाड़ी में। यहाँ पर अपना हार्दिक भाई का दुकान है, आपको तो पता ही है। मुरबाड़कर बंदा बादशाह है, दिल का अच्छा है, हृदय का सच्चा है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। मुरबाड़ आता हूँ तो मुझे अपने अभी भाई की याद आती है रे, गरुड़ा जी की, क्योंकि पता नहीं क्यों बट कांटेक्ट ही नहीं आजकल हमारा ज़्यादा। वो भी कॉल नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ, क्योंकि लास्ट कॉल मैंने किया था इधर ही हार्दिक जी के यहाँ पर कॉल किया था। मतलब हार्दिक भाई को कॉल आया था उसका, तो मैंने उससे बात की कि क्या विषय है बता मुझे। तो उसने मुझे बोला कि मैं कॉल बैक करता हूँ तुमको जल्दी। उसने उसके बाद कॉल बैक किया ही नहीं। तो अभी मेरा तो काम मैंने कर दिया, उसने उसका काम नहीं किया, तो मेरी गलती नहीं है, है कि नहीं। फल का मार्केट है भाई ना, अलीबाग के कांदे पांडरे पांडरे मुझे पसंद है बहुत। वो लेते हैं अपन। हर जगह से लोग है रे, अलीबाग से भी अपने डेक्स्टर भाई वगैरह है, वो कांदे बिंदे पांडरे कांदे भेजने के विषय करते हैं। और कोकण में अपने आंबे भेजने के विषय होते हैं। पर कोकण तो पूरा मतलब अपने लोगों से भरा पड़ा है, क्या ही बताएं। अच्छा लगता है, ये अलग ही जीव लगाया हुआ है। एक बहुत बड़ा परिवार बन गया रे, नहीं नहीं बोलते होते 5 साल में ना इतने लोग जुड़े हैं ना आयशा गावत। क्या लकी हूँ यार मैं, क्या लकी हूँ यार मैं, बहुत अच्छा लगता है। बस ये लोग साथ में रहे ना तो क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की लाइफ में। अभी इस गाड़ी पे मुझे कोई पहचाने का नहीं, ये बहुत प्लस पॉइंट है एक्चुअली। ये अच्छा ये इधर लगा है, बट मैं ना क्या करेगा पता है, इसको मैं इल्लीगली तरीके से ऐसे गाड़ी लगाई तो इसको ऐसा इल्लीगली तरीके से आप लगा सकते हो गाड़ी। ये आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ये देखो, इसको कहते हैं बुलेट लगाने की हिम्मत है जनाजा। लुक, कोई आए या ना आए, आप बुलेट लगाओ और एंजॉय करो ज़िंदगी में। पेट्रोल ऑफ, बिल्कुल भी नहीं है खौफ। लेट्स गो। करे जगह किधर है? हाँ इधर है। बुलेट है। हार्दिक आपका रास्ता अड़ा है मैंने जानबूझ के। बुलेट है ना, इज्जत भेटली भाई तिला। हाँ असं कह रहे उधर की जिंदगी। अभी भाई ने एक ही बैटरी लाई थी और उनकी एक बैटरी भी खत्म हो गई। तुम्हें पता है मेरे पास 3 बैटरी एक्स्ट्रा है, बट मैंने देने की धानत नहीं दिखाई। ठीक है, मतलब आप लोगों को मिलेगी। हाँ? मतलब आप लोगों को मिलेगी। VSR ना, VSR लेके घूमता हूँ मैं ऐसे। हार्दिक भाई को मेरी तरफ से गिफ्ट किया मैंने, और हार्दिक भाई वो मेरे को गिफ्ट कर रहे। क्यों? अरे हार्दिक भाई की क्या जरूरत है, तुम्हें तो पुणे से गिफ्ट आते हैं, वाशी से आते हैं, अरे तुम्हें तो गोप्रो इंस्टा 360 भी और 360 की भी तो ऑफर आई है मेरे जनाजे। वो जो बंदे ने मेरे को ये थी ना ऑफर, उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। सुबह मेरे को दिखा रहा था 360 मुझे वो देने का गाजर दिया और गाजर खराब हो गया ब्रो। पर ये फोन हार्दिक भाई ने मुझे दिया था, वो है मैं इतनी देर से इसी फोन से खेल रहा था, लेकिन आज मैं कंटाल गया। अरे और एक गिफ्ट, और एक गिफ्ट हार्दिक भाई, इसको रिटर्न गिफ्ट तौर पे रखो। ये अल्ट्रा 2 है, ऐश करो आप जिंदगी, कैश करो। अरे प्यार है, प्यार हार्दिक भाई, प्यार है। अभी टेंशन में आया रहेगा वापस, अल्ट्रा 2 आ रही है। अभी मैं एक फाइनल डिसीजन ले रहा हूँ। हाँ। कुछ तो एक बीजेएमआई के लिए फोन लेके जाऊंगा और उसको आयुष्य भर वापरूंगा। पक्का ना? हाँ पक्का, व्लॉग में बोलो। हाँ। लेकिन इसके बाद मैं बाइक पे नहीं आऊंगा, कार में आएंगे। एसी से, एसी में तो है रायडर कम्युनिटी ते पण आता आता आपण बाईक नीच चालायचंय। अरे पण एवढ्या 5-7 फोर व्हीलर है यहाँ पे। मैं मोबाइल लेने की ये चल रही है दोस्तों, डिप्रेशन आ गया है मुझे, क्या करने का है। और ये कंटिन्यू किसी औरत के साथ बात कर रहा है और अभी ये भी बात कर रहा है। अच्छा वैशाली, वैशाली क्या है? कौन है वैशाली बच्चा? बाबा तुमचा लोनचा प्रॉब्लेम होत असेल, मार्च गेला ना। हाँ। हफ्ते थांबले होते, बहुत घंटे रुकने के बाद एक डिसीजन आया है कि 15+ ब्लैक कलर ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, देखते हैं जो होगा। हाँ? देखते हैं, 2 दिन यूज करेंगे। 10,000-12,000 तोड़ेंगे और रिटर्न कर देंगे। नाही यावेळेस मी वापरणार आहे, इज्जत आहे। गोंजुले मी अनबॉक्स नाही करत, घरी करेन, घरी कर। हां ये मैं 20-25 बार सुन चुका हूं। जब तक फोन आ रहा है तब तक वड़े पाव लाए गए हैं हार्दिक भाई और उनके बंधुओं ने, और ये दबा के खा रहा है। मस्त डाइट चल रहा है करण भाई, मस्त। ये मेरे सामने खाए हुए हैं वड़े पाव, खा खा के जान दे रहा है और मुझे फोर्स इतना कर रहा है। मैंने सोचा चलो अभी भूख लगी है तो खा ही लेते हैं। पतरा वड़ा पाव खा रहे हो, कुदर शर्म रखो, शर्म। कुदर नहीं, कुदर नहीं। अरे बंधुओं शर्म रखो ऐसा बोलो, कुदर नहीं। क्या मना दिल से बोलते रहे तेरे। चलो हो गया, अभी वड़ा पाव खा लिया और तकलीफ होने लगी, कोल्ड ड्रिंक भी पिया। मतलब जो मैंने अभी चालू किया था अप्रैल से मैं सुधर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारा गिल्टी फील हो रहा है। इतना गोड़ खाया, वड़ा पाव खाया, लेकिन आज के बाद फिर से नो शुगर चैलेंज कंटिन्यू हो रहा है। सॉरी गाइज, और हार्दिक भाई को इज्जत और इस शॉप को भी इज्जत। चलो डायरेक्ट दहशत पार्किंग है ये, दहशत पार्किंग। ए सॉरी सॉरी, अभी वो कौन टी 76 मॉडल है, 1996। हाँ सॉरी 76 ही कोण ते मेंगळट आणि गाडीशी लावलं रे चिंगिनी। झालं झालं हार्दिक, निघेल निघेल। हां 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 बापरे, इथलं इथे हँगिंग गार्डन आहे। चालू हो जा इज्जत मेरी मत घालवा। चला भाऊ चला हार्दिक। चले अभी जाऊ का, संभाळून जा, मैसेज कर पोचला का। चले मजा आएगा। हे मुरबाड़ में ट्रैफिक कितनी होने लगी रे, पहले के मुकाबले। मेरी चौबली घबरा आई गो, मेरी ये उंगली है ना बहुत झूम रही है, वो मिर्ची खाई तो मुंह भी झूम रहा है उंगली। और मेरा मुझे ना इतना तकलीफ होता है तीखा खाने से ना, मतलब वो एसिडिटी शी का इशू, फिर भी मेरा ऊत नहीं जा रहा है, फिर भी मैं यही कर रहा हूँ। अरे तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर जगह सुनते। आज भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एसी से बाहर आ गया ना, अच्छा लग रहा है। जान में जान आई मेरे, ईमान आई मेरे। अभी अभी भाई गए हैं उसके जॉब पे डायरेक्टली नेपलू की बाइक लेके, और हम लोग अभी जाएंगे सीधा, मतलब मैं मौसी के यहाँ पे जाने वाला और ये जा रहा है उसके होम स्वीट होम पे। यत्र यत्र गलगत्र आई ग। अभी हमको फिर से लड़कों ने पकड़ा, अरे हेलमेट ही निकालने को बोलते हैं वहाँ, कितना कितनी बार हेलमेट निकालने का, कान घिस गए यार, कान घिस गए। मैंने उसको बोला कि दोस्त देख तुम बोल रहे हो कि एक बार क्या होता है, बट ऐसे ही तकरीबन 100 लोग बोलते रहे और सबके लिए मुझे अकेले को हेलमेट निकालना पड़ रहा है और बैक टू बैक हेलमेट निकालना पड़ रहा है। करण को मैं बोलता हूँ कोई आता है तो करण जरा सेटिंग लगा, उनको बोल हेलमेट मत निकालने बोल, बट वो लड़के मानते ही नहीं रहे। बट ठीक है कोई नहीं, हुआ अभी अच्छे से बात भी हुआ उनका। एक लड़के ने तो रोड के ऐसा बीच में ही गाड़ी रोक दी उत्सुकता में, तो उसका दोस्त भाग के गया, उसने बेचारे ने गाड़ी आगे लेके गया। जीव तो लगाते रहे, जीव लगाते, मेरा मुंह इतना झूम रहा है ना कि मुझे बोलने को नहीं हो रहा है क्या गावत। और ऊपर से फड़का गुंड डाला है ना हेलमेट के अंदर, फड़का गुंड डाला है, कांच लगाता हो तो बहुत ही जल रहा है, बट ठीक है कोई नहीं चलता है। तो मैं मुद्दा ये बोल रहा था कि हेलमेट वगैरह निकालने का टॉपिक आता है, बट ठीक है रे चलता है उतना, ऐसा कुछ नहीं, एडजस्टमेंट हो जाती है चीज़ें देखते ठीक है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार दोस्तों, बिना हेलमेट के भी आता है अच्छा फोटो यार, प्लीज़ हेलमेट मत निकालने को बोला करो ना प्लीज़। अरे डोले नाक दिखता है और ऐसा स्माइल भी दिखता है, ऐसा मस्त थम्सअप भी सब यो करके फ़ोटो निकालने का, यो ईजी ईजी चेर जीजी बेबी डॉल के दिल में मेरी बच्ची। बुलेट का ये व्यू कितना प्यारा आता है ना, ऐसा लगता अच्छा है, मतलब मज़ा आ जाता है। खाली फोकट के मैं 2-2 4-4 बैटरियाँ कैरी करता हूँ, मेरा एक पूरा व्लॉग है ना मोस्टली 1 से 2 बैटरियों में बन ही जाता है, 1 से 2 मैक्स, मतलब 1 से ही बनता है वैसे तो। जैसे कि अभी देखो आज का व्लॉग तो 1 बैटरी से ही बन जाएगा आराम से। यार नेपला किधर है, पीछे ही है कि अबे ये किधर रह गया, को ज़रा देखता हूँ कहीं रास्ते में कहीं काम 25 तो नहीं हो गया इस कुत्ते का। अच्छा है जिंदा है, जिंदा है, आराम से चला रहा है गाड़ी शायद। बुलेट चलाते वक्त कुछ बोलने की इच्छा ज़्यादा होती नहीं रहे कभी कभी, ऐसा लगता है बस एंजॉय करे राइड को आराम से। और आज बुलेट इतनी स्मूथ चल रही है ना, दोपहर को मैंने उसको भगाया, अब इसका इंजन जैसे खुल गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना भगाता नहीं ना मोस्टली, मतलब मोस्टली ये बहुत स्लोली चलती है। आज इसको इसके नसें खोल दिए मैंने, नसें, बैटरी को भी एक चार्जिंग मिल गई होगी, नहीं तो आसपास लोकल एरिया में घूमते ही है। ये कहा जा रहा है आउटसाइड से इतना वारा बहुत लगता है देखो। अभी साइलेंस, एकदम रिलैक्सेशन साइलेंस। ये देखो मसा एरिया, मसा एरिया यहाँ पे जतरा भरती है और जतरा का नाम आया और यहाँ पे आ गए, देख रहे हैं अपने को बैल, शरीयती के बैल। यहाँ आसपास कहीं ना कहीं शरीयत चल रही होगी, मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा शरीयती वगैरह, देखी ही नहीं मैंने, मोज की देखी है, बट लोग बहुत क्रेजी है इन चीज़ों को देखने के लिए। अपन थोड़े गेमर लोग हैं ना, मतलब ये राइडिंग गेमिंग, इसलिए अपना वो जॉनर नहीं है, लेकिन वो है, पसंद है लोगों को, बहुत अच्छा पसंद है। भाई को धूल देखो, हेलमेट होता है ना तो टेंशन नहीं होता धूल का। बाप रे, बुलेट धूल 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 अपनी बुलेट धूर बना रही है क्या? नहीं रे, पिद्दी भर भी धूर नहीं बना। आ सूरज कितना बादशाह दिख रहा है, मावलटा हुआ सूरज। लद्दाख राइड एक्साइटमेंट बहुत है लद्दाख को लेके यार, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ तो ऐसा मस्त हटेगा। चलो जोक्स अपार्ट मुद्दे पे आता हूँ। अभी मैंने जो फ़ोन लिया BGMI के लिए, इससे पहले हमने 4 बार वो सेम चीज़ की है, वो 4ों बार रिटर्न गया है, लॉस हुआ है। बट अगर ये पहले की बात होती तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन आजकल वो जो पैसे खर्चे भी करता हूँ तो ऐसा लगता है हाँ कमा लूँगा। क्यों कमा लूँगा मतलब क्यों लगता है ऐसा? बना लूँगा वीडियो, व्यूज़ आ जाते हैं, स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, ब्रांड आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है। क्यों? कॉन्फिडेंस। कौन सा कॉन्फिडेंस? आपका, क्योंकि आप उतने लेवल पे देखते रहते हो, आपका प्यार, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भर जाते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि भाई डबल मेहनत करूँगा, जितना पैसा खर्च हुआ है उससे भी डबल कमाऊँगा, डबल मेहनत करूँगा। क्यों? क्योंकि वो डबल मेहनत का जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की वजह से ही आता रहता है मुझे। सो थैंक यू सो मच। आई नो ये गिफ्ट हर बार बोलूँगा, कितना भी बोलूँगा तो कम कम सा है, लेकिन ये देखो बैलगाड़ा के और शरीयत वाले बैल जा रहे हैं। लेकिन मैं जब भी कोई चीज़ लूँगा ना, मैं बोलूँगा नहीं कभी ना, तो भी ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी नई चीज़ लूँगा मैं, वो मुझे गिफ्ट मिली है आपकी तरफ से, यही हमेशा सोचना। आप लोग बोलते हो ना कि श्रीमान हम तुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, आप मुझे ऑलरेडी दे ही रहे हो हर एक चीज़, आप ही का सब कुछ देन है जो भी है। सो कभी मैं बोलूँगा कभी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फैक्ट यही है कि मेरे पास जो है जितना भी है सारी चीज़ें आपके वजह से ही है। और बस यही नहीं, आज मेरे दोस्त जो है जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं उनको, उनका भी अर्निंग होता जा रहा है, चालू हो रहा है, ये सब कुछ आप ही की देन है। अगर आप ना होते तो ना मैं कुछ कर पाता, ना मैं इन लोगों को कुछ सिखा पाता, ना कुछ ये लोग कर पाते। सो थैंक यू सो मच। आपने श्रीमान फैमिली को बहुत बढ़ाया है, और अभी ये जो लोग अपने साथ जुड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा लगता है। बस सब लोग ज़मीन पे रहे बेटर रहेगा, ज़्यादा हवा बिवा में कोई मत जाए, आराम से ज़मीन पे रहे तो ज़रा सब कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। ये इसकी बुलेट दूर उड़ा रही है, मेरी क्यों नहीं उड़ा? अच्छा मेरी भी उड़ा रही है, अच्छा इधर कुछ ज़्यादा ही दूर है तो भाई माजे। इसका तीसरा गियर का प्रॉब्लम ही है जो कभी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो गियर का जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। बट मुझे बोला गया है कि वो पुराना ही है, 1976 की बुलेट का जो था ना वही है, क्या उसे कहते हैं शाफ्ट या कुछ तो है, तो वो चेंज मत करो मुझे बोला है, वो पुराना ही, वो ऐसे ही रहने दो, नहीं तो चेंज करूँगा ना तो फील नहीं आएगा गियर डालते हो पुराना। इस गाड़ी का गियर डालते वक्त ना एकदम ओल्ड वाइब आती है, ओल्ड वाइब, तो ओल्ड वाइब रहने के लिए मैंने वो चीज़ चेंज नहीं की है। दोनों बुलेट की आवाज़ देखो साथ में, हाँ 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 हाँ, मज़ा आ जावे। पुलिस चौकी बोलते चोबा चोबा गड़गोबा। ये कहीं ना कहीं शरीयत ही 100% चालू है क्या? बैक टू बैक तीसरी गाड़ी दिखी, आसपास कहीं दिख जाए तो मैं रुक जाऊंगा देखने के लिए, टाइम नहीं, नहीं रुक सकता, जाने दो कुछ नहीं दोस्तों, चालू हो गया आसपास कहीं पे, इज्जत है। ओए कसला बैल है बघ गचका, तो भाई धक्का बैल है, धक्का बैल। सूरज हुआ मत्थम चांद ढलने लगा, आसमाए हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, टूटा ये दिल सांस थमने लगी, जय भोलेनाथ। सुसु सुसु कट्टी, ए क्या बोल रहा है मनोज? ए तुझे कैसे पता मुझे सुसु आई है? हाँ नहीं आई तो है, बट ठीक है ऐसा प्रेशर नहीं है। ये रात तो हो गई है, अभी टाइम है बल्ब लगाने का। अपने गाड़ी पे 2 टाइप के बल्ब है, देखो सुट ऑरेंज, आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है थोड़ा सा, और ये है टच वाइट, बट इसको कहते हैं DRL। अब तुमको दिखाता हूँ इसकी मेन पावर है, देखो 1 2 3 कैसा है, कैसा पावर है, कैसा पावर है। ये व्हाइट लाइट बोलते हैं, प्योर व्हाइट लाइट मेरी जाने चचू, यंद्र इंद्र गलगंद्र तारुफ हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी जान। एकदम क्लियर वातावरण दिखेगा तेरे को, एच एंड एवरी व्हीकल दिखेगा, आराम से तू गाड़ी चला सकेगा ना मेरी जान। एकदम डुप्लीकेट आइटम नहीं लगाएला है, ओरिजिनल लगाएला है। अच्छी है दिल में 1500 में काम 25। आइला बात करते करते बैटरी खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। अभी दूसरी एक बैटरी डाली है। हाँ वर्क करिए, लेट्स गो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। की बॉडी वाइब्रेट हो जाती है रे, कोई नस ब्लॉक होगी ना बॉडी की, पूरी नसें खुल देगा ये बुलेट। रोड काफ़ी अच्छा है, सुरबाड़वाड़ी और जंटुकलिया ये दोनों के बीच का रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है बच्चा। यहाँ पे भजन चल रहा है और करण भाई बोले कि यहाँ पे डीके अपना रहता है, डीके, और उसका आज वाढदिवस है तो सोचा उसको ज़रा मिल के जाता हूँ। अभी इतनी दूर आया हूँ तो उसका चेहरा भी देख के जाता हूँ ना मेरी चंचू। वो उसको कॉल कर रहा है। एरिया अच्छा ही है यार, बढ़िया एरिया, इज्जत इस एरिया को। पहली बार आए हो यार यहाँ पे, मस्त लग रहा है, अच्छा है, इज्जत है। अरे डीके भाई वाढदिवस की फिर से एक बार शुभकामनाएं मेरी जाने चचुड़ू। ये देखो दोस्तों डीके अपना, अब इसमें दिख नहीं रहा होगा इसलिए ये देखो ये डीके है। आपकी क्या खासियत है? अरे फुल इज्जत ना, इधर ही हूँ मैं 4-5 दिन से। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं इधर आया हूँ ना टुम्बेवाड़ी में। क्या रे, हेलो, फुल इज्जत। अरे बाप रे, इज्जत है इज्जत है। तो ये अपना डीके दोस्तों, डांसिंग बॉय डीके, बहुत अच्छा डांस करता है, इसको इज्जत दो। निस्ता फेम नको, घर ही नको रे। अरे बांधिलकी ना माझी चुनचुन, बांधिलकी ना माझी गुनगुनी। यार ये सफ़र काफ़ी अच्छा था, मस्करी में हम बहुत किलोमीटर चले। लेकिन अभी मुझे ये गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है मौसी के यहाँ पे, और वहाँ से फिर मैं निकलूँगा घर के लिए। तो बस ये व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपने भी एंजॉय किया होगा मेरी तरह। और आप बहुत दिनों से बोल रहे थे बुलेट का व्लॉग, तो बुलेट का व्लॉग आपके सामने पेश है और आगे जाके बुलेट के व्लॉग्स आते रहेंगे, टेंशन मत लो, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बुलेट के व्लॉग में जो डिटेल आपको पता चली है उससे आप संतुष्ट हो। इससे ज़्यादा डिटेल मैं दे नहीं पाऊँगा, लेकिन कभी मूड हुआ तो ज़रूर बताऊँगा। लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी है, इज्जत है, और बेचने का कोई प्लान नहीं है। कमेंट में कोई मत बोलना कि गाड़ी बेचनी है क्या, तो ये बेचने वाला हूँ नहीं मैं। बहुत सुंदर गाड़ी है ये, इसका विषय दिल को टच करने वाला है, दिल को। अभी मैं निकलता हूँ, आप अपना ख्याल रखो, बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपको अगले किसी सुंदर से ब्लॉग में। जजरू रे जजरू गल गजरू।